इस वीडियो में मैं आपको बाजू की कटिंग करना और तीन तरीके से बाजू को जोड़ना बताऊंगी। आपको जो तरीका इजी और अच्छा लगे आप उस तरीके से बाजू को जोड़ सकते हैं। देखिए, ये मैं आपको आधी बाजू की कटिंग बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ इस तरह से इसको, और जो इसकी चौड़ाई हम लेते हैं वो जैसे हमारे मुड्डों की चौड़ाई 7 इंच है, तो इसकी चौड़ाई मैंने 8.5 इंच ली हुई है डबल करके। तो यानी मुड्डों की चौड़ाई से हम 1.5 इंच ज्यादा बाजू की चौड़ाई लेते हैं डबल करके, और लंबाई आपको जितनी रखनी है आप उतनी लंबाई रख सकते हैं। जैसे मुझे इसकी लंबाई तैयार 5 इंच चाहिए, तो पहले मैंने ये 1.5 इंच का निशान एक हम यहाँ लगाएंगे, ये इधर हमारा तुरपाई के लिए हो जाएगा। फिर हम एक निशान 5 इंच पर लगाएंगे और ये हमारा करीब 0.5 इंच या उससे थोड़ा सा कम हमारा ये मुड्ढों के ऊपर सिलाई के लिए आ जाएगा। और इस निशान को हम यहाँ पर इस तरह से 8.5 इंच पर एक इस तरह से हम सीधा निशान लगा देंगे। और देखिए, यहाँ ये जो गोलाई हम बाजू को देते हैं, इसका सबका थोड़ा अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग इसे थोड़ा 2 इंच पर या 2.5 इंच पर भी दे देते हैं, कुछ 3 पर या 3.5 इंच पर। मैं 3 से 3.5 इंच पर इसकी ये शेप रखती हूँ, तो मैं ये यहाँ निशान 3 इंच पर लगा रही हूँ। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी बाजू की फिटिंग ठीक आनी चाहिए बस, और कोई इसका मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर 3 इंच का एक निशान लगाइए आप इस तरह से, और इधर जैसे हमें 12 इंच अपनी बाजू की तैयार लंबाई रखनी है, तो एक निशान आप इस तरह से 6 इंच पर लगाइए। तो ये हमारी तैयार बाजू की चौड़ाई हुई, और आप 1.5 से 2 इंच ये सिलाई के लिए रख लीजिए इस तरह से। और यहां से जो हमने 3 इंच का ये निशान लगाया है, इसको आप इस तरह से यहां से इस तरह शेप दे दें, और इस निशान को आप इस तरह से मिला दें। देखिए, हमने जो ये तुरपाई के लिए आगे ज्यादा कपड़ा छोड़ा हुआ है, सही तरीका तो कटिंग का ये है कि हम इसको इस तरह से मोड़ लेते हैं और उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं। और यहां पर एक कट लगा देते हैं, तो ये हमारा मोड़ने के लिए हो जाता है ये इस तरह से। और फिर हम आगे के हिस्से में यहाँ बीच में, केवल बीच में हम इस तरह से करीब 0.5 इंच की हम गहराई देंगे इस तरह से ऊपर से, और यहाँ नीचे से हम गहराई नहीं देंगे, केवल बीच में से देंगे, और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। और देखिए, इसकी कटिंग करने के बाद हम इस पर एक निशान लगा लेंगे, जिससे हमें पता रहे कि हमें ये हिस्सा आगे लेना है, और इसके बीच में हमें कट का निशान लगा देते हैं। देखिए, कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि पूरी बाजू और आधी बाजू की कटिंग अलग तरह से होती है और अलग तरह से वो जोड़ी जाती है, लेकिन बिल्कुल सेम तरीके से वो जुड़ती हैं और सेम तरीके से उनकी कटिंग होती है, केवल उसकी लंबाई ज्यादा होती है। इनमें केवल यही अंतर होता है और कुछ भी अंतर नहीं होता। देखिए, ये हमारा आगे का मुड्ढा है और इसकी कटिंग भी बीच में से इस तरह से गहरी होती है 0.5 इंच, और ये जो मैंने निशान लगाया है इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपनी बाजू को आगे से इस तरह से मोड़ लेते हैं कच्ची सिलाई लगा के, जहां हमने वो कट का निशान लगाया हुआ है उस निशान तक हम बाद में इसके ऊपर हम तुरपाई कर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सबसे बेसिक तरीका बताती हूँ बाजू जोड़ने का। जैसे ये हमारे मुड्ढों की ये तीरे की सिलाई है, और उस पर हम अपनी बाजू को इस तरह से बीच में रखते हैं, और ये बाजू का आगे का हिस्सा आगे रखते हैं इस तरह से, और बीच में से रख के इस तरह से हम उसको नापते हैं। सही तरीका यही है लगाने का। और जहां पर हमारी ये बाजू आती है वहीं से हम इसको सिलनी शुरू करते हैं। अक्सर सभी किस तरह से करते हैं,
बाजू को यहां से इस तरह से लेंगे और सिलना शुरू कर देंगे। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। हमें बीच में से जैसे मैंने नापा इस तरह से नाप के फिर उस बाजू को जहां पर हमारी बाजू आती है वहां से सिलना शुरू करना चाहिए। और इस तरह से हम उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरह से सिल देते हैं। और ये देखिए इस तरीके से ये हमारी बाजू हमारे मुंडू में जुड़ जाती है। और ये सबसे बेसिक और आसान तरीका है। और ऐसा नहीं है कि ये तरीका अच्छा नहीं है या इस तरीके से बाजू सही नहीं जुड़ पाती। देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अगर हमारी बाजू की कटिंग बिल्कुल सही होगी और हम सही तरीके से उसको जोड़ते हैं तो ये तरीका अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। बल्कि इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि देखिए जैसे हम इसको यहाँ से फिटिंग देंगे इस तरह से बाजू जोड़ने के बाद, और हमारी फिटिंग बाय चांस लूज या टाइट हो जाए तो अगर हमारी हमें टाइट करना है तो हम सिलाई ये थोड़ी अंदर कर देंगे, और अगर हमें लूज करना है तो ये सिलाई हम थोड़ी बाहर कर देंगे और केवल हम ये बीच की सिलाई उधर देंगे। तो ये सबसे इजी तरीका है बाजू लगाने का और इसकी फिटिंग करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। और अब मैं यही बाजू आपको दूसरे तरीके से लगानी बताऊंगी। उस बाजू को मैंने उधेड़ दिया है। इस दूसरे तरीके से बाजू किस तरह से लगाते हैं, पहले हम अपने सूट की फिटिंग कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद देखिए हम इस तरह से रखते हैं, हमारा जो सूट का ये बाजू का आगे का हिस्सा होता है उसको आगे रखते हैं और उसको बीच में से इस तरह से हम जो हमारा ये तीरा है इस तरह से रखते हैं बाजू के बीच का कट, और इस तरह से उसको हम नापते हैं। और जहां पर हमारी ये सूट की फिटिंग है, देखिए जैसे हमारी ये सूट की फिटिंग यहां पर आती है इस तरह से, तो हम अपनी ये बाजू का निशान यहीं पर लगा देते हैं इस तरह से। और हमने ये जो निशान लगाया है, हम अपनी बाजू के आगे से चौड़ाई देखते हैं। हमारी बाजू के आगे से जो चौड़ाई थी वो 6 इंच थी, और यहां पर हम 6 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे और इन पर फिर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए उसके बाद हमें जिसके ऊपर बाजू लगानी है, हमारी कुर्ती या ब्लाउज जिसके ऊपर भी हमें बाजू लगानी है उसको हमें उल्टा रखना है, यानी कि उल्टा करना है और अपनी बाजू को हमें सीधा कर लेना इस तरह से, और अपनी कुर्ती के अंदर इस तरह से हम बाजू को डाल देंगे इस तरह से। और जो हमारी वो बाजू की सिलाई है जो मैंने अभी सिलाई लगाई थी और हमारी कुर्ती की फिटिंग की सिलाई है उसको हम इस तरह से मिला देंगे आपस में ऐसे। और उस सिलाई को इस तरह से मिलाने के बाद हम इस पर इस तरह से इसको चारों तरफ से गोल बाजू इस तरह से जोड़ देते हैं। और ये ध्यान रखना है हमें कि हमारे आगे के मुड्ढे आगे होने चाहिए, यानी कि वो गहरी कटिंग हमारी आगे की साइड ही होनी चाहिए। और इसको थोड़ा हम इस तरह से मोड़ लेंगे यहां से कुर्ती को भी और बाजू को भी, और इन सिलाइयों को आपस में इस तरह से मिला देंगे तो ये हमारी इस तरह से गोल बाजू जुड़ जाती है। और देखिए दूसरे तरीका हमारी बाजू लगाने का है, और अब तीसरे तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तीसरा सबसे आसान और अच्छा तरीका मैं आपको बाजू लगाने का बता रही हूँ। हम अपनी ब्लाउज या कुर्ती की फिटिंग कर लेते हैं लेकिन हम अपनी बाजू पर सिलाई नहीं लगाते, यानी बाजू हमारी केवल हम आगे से मोड़ते हैं इस तरह से और तब हम इसको जोड़ते हैं। ये बीच की जो हमारी मुड्ढों की सिलाई है इस पर हम अपना बीच का कट का ये निशान इस तरह से लगाते हैं। कुर्ती हमारी सीधी है और बाजू को हम इस तरह से उल्टा रखते हैं।
हम ये बीच का निशान और अपने तीरे का ये जो निशान है इनको मिला के इसको बीच में से लगाना शुरू करते हैं। बाजू को ऐसे उल्टा रख के सीधी कुर्ती होती है हमारी और इस तरह से हम इसको सिलते हैं। और देखिए जो हमारी ये फिटिंग का निशान है यहां तक हम इस बाजू को इस तरह से सील कर छोड़ देंगे। हम दूसरी साइड से बाजू को सीलते हैं, फिर वहीं हम बीच में आते हैं वापस और दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सिलाई लगाते हैं। और ये बाजू जोड़ने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है, इसमें बिल्कुल भी ना तो हमें बाजू नापने की जरूरत पड़ती और अगर हमारी बाजू के बीच में कोई डिजाइन होता है तो बिल्कुल बीच में आता है और बहुत अच्छे तरीके से बाजू लगती है। और इसको भी हम यहाँ फिटिंग के निशान पर लाकर छोड़ देते हैं इस तरह से। देखिए ये हमारी बाजू इस तरह से जुड़ती है और अब हम इसकी बाजू के ऊपर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जैसे हमारी ये बाजू आगे से यहाँ से इसकी गोलाई हमें 6 इंच करनी है, इस तरह से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और ये जो हमारा फिटिंग का निशान है कुर्ती की और जहां पर हमने सिलाई रोकी हुई है इस तरह से इन निशानों को हम इस तरह से मिला देते हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से देखिए हम इस सिलाई को यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे और चाहे तो हम इसको नीचे तक मिला सकते हैं इस तरह से, देखिए ऐसे। और देखिए ये हमारे बाजू लगाने का तीसरा तरीका था और आपको जो तरीका इजी लगे और जो अच्छा लगे आप उससे बाजू लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और कमेंट करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।